सोचती क्या है सिटी पॉलिटिक्स को लेकर, और अब तो बस सियासी पिच पर चुकी दो दो हाथ की तैयारी है। बीकानेर से हमारे संवाददाता संजय पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सवाल यही है कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीकानेर आ रहे हैं, यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है और कितनी ऊर्जा कार्यकर्ताओं को मिलेगी, और आखिर तैयारियां क्या कुछ नजर आ रही हैं आज? जी बिल्कुल, अमित शाह कल यहाँ पर जो रोड शो करेंगे, करीब ढाई घंटे का ये रोड शो होगा। कहीं ना कहीं जो अमित शाह का जो ये दौरा है उसको लेकर बीजेपी द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज भी जो संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर वो पहुँचे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं जो ये अमित शाह का दौरा होगा, जो रोड शो होगा, वो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा है वो प्रदान करेगा। साथ ही साथ जिस तरह से आज जो मुरलीधर राव ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने भी इस तरह बताया है कि जो सरहदी जिला है बीकानेर, चूंकि सरहदी जिला है, पश्चिम जो पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिलों से अमित शाह है वो अपना चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत है वो यहां से करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ये रोड शो एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला होगा। बिल्कुल, लेकिन एक और खबर है कि बीडी कल्ला का माली समाज के जो सामूहिक विवाह समारोह था वहां पर जबरदस्त विरोध हुआ है, ये तो कल्ला के लिए बड़ी सियासी मुसीबत की ओर इशारा करता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस के टिकट को लेकर लगातार बवाल हो रहा था, सड़कों पर किचकिच है वो सामने आई, उसी का परिणाम था कि कल जो माली समाज के लोग थे एक सामूहिक विवाह समारोह में बीडी कल्ला को उसमें विरोध का सामना करना पड़ा। माली समाज के लोगों ने विरोध जताया, यहाँ तक कि बीडी कल्ला मुर्दाबाद के नारे भी लगे। मैं आपको बता दूँ, बीकानेर में जो माली समाज के करीब 18,000 वोटर्स है, तो कहीं ना कहीं बीडी कल्ला के लिए इस तरह से माली समाज का जो विरोध होना, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगना बीडी कल्ला के सामने चुनौती है। साथ ही साथ ये भी चर्चा हो रही है कि जिस तरह से जो रात सामूहिक विवाह समारोह में जो वाक्या हुआ, तो कहीं ना कहीं अन्य जो वोटर्स है उनकी सहानुभूति भी बीडी कल्ला को जरूर मिलेगी। अच्छा, लेकिन ये श्री डूंगरगढ़ में बीजेपी से बागी कृष्णाराम नाई बीजेपी के लिए कितनी मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं, और अब समीकरण कैसा नजर आता है इनके बागी होने पर? जी बिल्कुल, श्री डूंगरगढ़ में कृष्णाराम नाई भाजपा के कद्दावर नेता है, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला जिसके चलते वो बागी है। भारतीय वाहिनी पार्टी से उन्होंने जो है वो पर्चा भरा है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। कहीं ना कहीं कृष्णाराम नाई को मनाना भाजपा के लिए जरूरी है, लेकिन जिस तरह से कल अर्जुन राम मेघवाल का भी बयान आया कि वो बागियों से निरंतर संपर्क में है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश है वो की जा रही है, कृष्णाराम नाई से भी संपर्क किया जा रहा है। कल 22 नवंबर तक जब नामांकन जो उठाने की जो कल अंतिम तारीख है, तो उस दिन परिणाम भी सामने आएंगे, लेकिन बड़ी बात है कृष्णाराम नाई को भाजपा के लिए मनाना। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।